नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि पर भक्त शिवलिंग पर भांग धतूरा अर्पित करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? आखिर क्यों भगवान शिव को भांग और धतूरे का भोग लगाया जाता है? अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो इसी बारे में आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव को भांग धतूरा अति प्रिय है, इसलिए महाशिवरात्रि पर भक्त शिव जी को ये चीजें अर्पित करते भी हैं। लेकिन इसके अलावा भांग धतूरा भगवान शिव पर अर्पित करने के कई और कारण भी हैं। हम सब जानते हैं कि सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने समुद्र से निकले विष को पी लिया था और इसके बाद उन्हें मूर्छा आने लगी थी। इसलिए देवताओं ने हलाहल के असर को कम करने के लिए भगवान शिव पर शीतल जल डाला था और उनके माथे पर भांग धतूरे से विष के असर को कम करने की कोशिश की थी। इसलिए भगवान शिव को भांग और धतूरा अति प्रिय है। दोस्तों, भांग और धतूरे में औषधीय गुण होते हैं और ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि पर भांग धतूरा भगवान शिव पर अर्पित करते हैं तो आपको भी आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव पर धतूरा अर्पित करने से कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर धतूरा अर्पित करते हैं तो राहु से संबंधित जो भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं वो दूर हो सकती हैं। यानी धतूरा राहु ग्रह के बुरे असर को भी कम कर देता है, आपके बिगड़ते काम बनने लगते हैं और जीवन की कई कठिनाइयां भी दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही भांग धतूरा शिवलिंग पर अर्पित करने से पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलती है। तो अगर आपकी कुंडली में भी राहु ग्रह का बुरा असर है या फिर पितृ दोष है तो आपको महाशिवरात्रि के दिन धतूरा और भांग भगवान शिव को अर्पित अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, धतूरे से जुड़ा एक आसान उपाय है जिसे आपको महाशिवरात्रि के दिन करना चाहिए। इससे आपके जीवन में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। आपको करना बस इतना है कि महाशिवरात्रि के दिन धतूरे की जड़ को घर में लाकर पूर्व दिशा में इसे रख देना है। आपको इसके दर्शन बार बार होते रहें, ऐसी जगह पे आपको इसे रखना है पूर्व दिशा में। हाँ, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप धतूरे की जड़ को पूर्व दिशा में रख रहे हों तो उससे पहले आपको भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए। कम से कम आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का तो 108 बार जप करने के बाद ही धतूरे की जड़ को पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इस उपाय को करने से आर्थिक जो भी तंगी है आपके जीवन की वो दूर हो जाती है, आपके जीवन में धन धान्य आता है, साथ ही आपको मानसिक विकारों से भी छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि आखिर क्यों भगवान शिव को भांग धतूरा अर्पित किया जाता है। भांग धतूरा औषधि के रूप में देखा जाता है और अगर आप शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन भांग धतूरा चढ़ाते हैं तो आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही राहु के बुरे प्रभाव भी दूर होते हैं और आपका जीवन संतुलित हो जाता है। तो अगर आप भी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर भांग धतूरा चढ़ाते हैं तो आपके जीवन की भी कई परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।